हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि आज मैं किस जगह के बारे में आप लोगों को दिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं। सो मैं आ गया हूं प्रयागराज इलाहाबाद संगम, और अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और रात में निकले हैं हम लोग गोरखपुर से 12 बजे, और 6 बजे तक हम लोग अर्ली मॉर्निंग में आ चुके हैं लोग प्रयागराज में, दिखा रहे हैं। और यहाँ पे अभी हम चल रहे हैं अपने मित्र के पास, जो कि कहाँ पे हैं, आर्मी कैंप में, वहीं चल रहे हैं। और हमारे साथ आप लोग देख सकते हैं कौन कौन है। कानपुर की बौजी अम्मा जी, ये कौन है भाई, आप कौन लोग हैं? चले गया भाभी तनिष्क और सब लोग गाड़ी में सो रहे हैं, हम ही बस एक जगह हैं। हम भी थोड़ा थोड़ा सो के आए हैं और फाइनली आ चुके हैं प्रयागराज में। मेरे लाइफ का फर्स्ट जर्नी रहा है यहाँ पे आने का, आज मैं पहली बार आया हूँ प्रयागराज में, और वो भी बाय रोड सेल्फ ड्राइव। पूरी रात मैंने खुद ही ड्राइव किया, खुद ही गाड़ी चलाया, और अभी मॉर्निंग में आ चुके हैं। अब जाके पहले सोएंगे, उसके बाद आफ्टर डैट फिर एक्सप्लोर किया जाएगा, एक्सप्लोर करेंगे हम फिर संगम का, और दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या जगह है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ का आर्मी कैंप, जहाँ पे हमारे मित्र अभी पोस्टिंग पे हैं यहाँ पे। तो मैं उस जगह को दिखाता हूँ, अभी वहीं मैं जा रहा हूँ। तो चलिए लोग, बने रहिए लोग मेरे साथ और मज़ा लीजिए लोग प्रयागराज का। ये है प्रयागराज, यहाँ से लेफ्ट है, ये आ गए हम लोग डिफेंस सर्विस ऑफिस, और यहाँ से एंट्री करना है। देख रहे हो चेकिंग वाले होंगे, अभी तो नहीं दिख रहा है। तो भाई लोग फाइनली आ चुके हैं हम, अभी को मेरा अलार्म बज रहा है। ये रहे हमारे ब्रिगेडियर साहब, आप लोग ब्लॉग में देख चुके हैं होंगे इनको पिछले। अभी ये जो है टूर कराएंगे यहाँ का, दिखाएं जगह कैसा है। सरकारी बंगला आर्मी वालों का, ये सामने नज़ारा, मोर वगैरह आते हैं सब खूब ज़बरदस्त। लाडू कहाँ हो, फाइनली आ गए हैं हम लोग। आप इनको बाद में मिलने के लिए वही डिटेक्ट कर दी। ये है हम लोग का किचन, जिसमें हम लोग बनाएंगे आलू पराठा। पराठा इनका ही पराठा बना देंगे और सॉस के साथ इनको खा देंगे। इसके बाद क्या खाओगे? लाडो जग चुकी हैं और खाते हैं खूबसूरत सा नज़ारा। ये बालकनी का, ये यहाँ से नज़ारा है पूरा। हाई कोर्ट के बगल में ही है, आर्मी कैंप के पास में अभी हम लोग गए थे जगह पे, वहाँ से फिर हम लोग यहाँ आए हैं। स्टे यहीं किया जा रहा है, गाड़ी नीचे पार्क किया गया है। कूलर में पानी डाल रहे हैं हमारे कैप्टन साहब, और जोरों का नींद। पहले तो सोएंगे, सो के उठेंगे जब नींद खुलेगी, फिर कहीं घूमने जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम आप लोगों से, पता नहीं कब सो के उठेंगे, जब उठेंगे तो मिलते हैं, फिर एक्सप्लोर करते हैं, फिर दिखाते हैं क्या हम लोग करते हैं, क्या एक्टिविटी होती है हम लोगों की यहाँ पर, क्या क्या चीज़ें किया जाता है। एक दो दिन तक हम लोग का टूर है, तो ये वीडियो पूरा देखिए लोग, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को और बहुत सारी जानकारी मिलेगी यहाँ के बारे में।
कि कैसे क्या चीज़ें हैं, मैं पूरा बताऊंगा ए टू जेड। सो वीडियो में अंत तक बने रहे लोग। बहुत गोरे हो गए भाई, लोग आए हैं तो एकदम हम गोरे गोरे हो गए हैं, एकदम पूरा ब्लर कर दिए। सुबह हो गया है और बज रहे हैं 11:30 सो के उठे हैं, अब ब्रश वगैरह कर रहे हैं, पानी एकदम हीट हो गया है, 100 फ्लोर पे हैं लोग। सो हम कर रहे हैं ब्रश और चाय वाय इधर बन रहा है, लाडो और उनकी मम्मी बना रही हैं लोग। क्या बर्फ बर्फ है तो इसका और करेगी। धूप हुआ है बहुत ज्यादा, टंकी का पानी एकदम गर्म हो गया है, बाहर मार रहा है। अभी थोड़ा सा सूबेदार साहब गए हैं घूमने, आए तो फिर मोटर चलवाएं उनसे, नहाए सब कोई तो नहा वहाँ रेडी है। हम ही लेट तक सोए थे क्योंकि हम गाड़ी चलाते समय सोए नहीं थे ज़्यादा सा, अभी सीधे गोरखपुर से चल के प्रयागराज में ही रुके हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि टोटली गोरखपुर से 282 दिखा रहा था, 282 किलोमीटर, बट 300 से ज़्यादा पड़ा है, 302 किलोमीटर के समथिंग पड़ गया है आने में। और अच्छा रहा है, 2 टोल गेट पड़ा जहाँ पे एक जगह पे 110 टोल चार्ज कटा है, अगर आप लोग बाई रोड आते हैं तो आप लोग ध्यान देंगे। और नौसड़ से आगे जो बनारस वाला रूट है उसी रूट से आना है, नेविगेशन लगा के आना है, वो खुद लोकेट करेगा किस रास्ते आपको जाना है। तो रास्ते में 2 टोल गेट पड़ेगा, एक पे जो है चार्ज कटेगा आप लोगों का 110 और एक पे चार्ज कटेगा 80 रुपये। 2 टोल गेट हैं, यही टोल गेट है। इधर से एग्जिट में भी देखते हैं क्या कटता है। और फाइनली हम लोग आ गए हैं फाइन, और आप लोगों को दिखाए हम कि यहाँ पे हमारे फ्रेंड हैं जो कि आर्मी में हैं, उनकी पोस्टिंग अभी यहीं पे है, तो सूबेदार हैं यहाँ, तो अभी नायक हैं, तो उन्हीं के यहाँ वो आए हैं, हम लोग एंट्री कराए हैं वहीं पे कानपुरिया बहू जी के साथ में, उनका वीडियो है ही, तो उनके हस्बैंड हैं वही। तो प्लानिंग हुआ घूमने का, आए लोग अब आके सोए हैं लोग, धूप हुआ है, आज शाम में निकला जाएगा, थोड़ा बहुत घूमा जाएगा और जो है फिर आगे वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे, यानी कि कल हम लोग जाएंगे संगम नहाने, उसके बाद से जो है और भी चीज़ें देखा जाएगा। अभी 2 दिन तक हम लोग यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, रुके हैं, तो दिखाते हैं हम आप लोग को आगे क्या क्या होता है। तो हम लोग नाश्ता पानी करने जा रहे हैं और ये देखिए बाटी चोखा आया है, ये कहाँ से आया है, बाहर से कि कैंटीन से, आर्मी मार्केट से, कौन सा मार्केट, एजी मार्केट, इलाहाबाद एजी मार्केट, अच्छा इलाहाबाद एजी मार्केट से। और बैठे हैं लोग, बाटी और चोखा खा रहे हैं लोग, सब कोई लाइन लगा के बैठा हुआ है। क्या खा रही हो तुम, हाँ क्या खा रही, शर्ट है वाइट वाला चाहिए। एवरीवन गुड मॉर्निंग, और आज नेक्स्ट डे है, कल आए लोग, कल सोए रह गए लोग, कुछ किए लोग नहीं, शाम के समय में निकले लोग थोड़ा घूमने के लिए, आज़ाद पार्क वगैरह गए थे लोग घूमने के लिए, बट वो भी जो है मेन पॉइंट जो था वो बंद था, तो इसलिए मैं वहाँ पे शूट नहीं किया कुछ। और फिर शाम को आए लोग, खाना वाना बनाए, खाए लोग, सो गए लोग, पूरा थकान था, और सोचे लोग सुबह सुबह 4 बजे हम लोग निकलेंगे नहाने के लिए, तो घाट पे जाने के लिए, लेकिन सो के उठ नहीं पाए हैं लोग सुबह सुबह, अभी जो है 5 बज गए हैं, 4 बजे जाना था, 5 बज रहा है, और लग रहा जाते जाते वहाँ पे 5:30 वगैरह हो ही जाएगा। अभी तो हम आ गए हैं रेडी होके, आ गए लोग सब पे, सब लोग आ ही है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं घाट पे और दिखाते हैं आप लोगों को वहाँ, यहाँ संगम नदी कैसा है और क्या फैसिलिटी है हम लोगों का, क्योंकि आर्मी वालों को तो कुछ अलग छूट है, तो दिखाते हैं आप लोगों को चल के क्या करते हैं। गाँगा।
दोस्तों हम लोग आ गए सरस्वती घाट, जो कि स्पेशल एंट्री है आर्मी वालों के लिए। उनके आईडी को देख के एंट्री मिल रहा है। सिर्फ आर्मी वाले आएंगे, अपनी फैमिली ला सकते हैं। नॉर्मल सिविलियंस का ना इधर अलाउड नहीं है, दूसरे रास्ते जाना है उन लोगों को। तो हम दिखाते हैं सरस्वती घाट, हम तो लाइफ में फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे। ये फैसिलिटी है यहाँ, अच्छी फैसिलिटी है, भीड़ भी ज़्यादा नहीं है और एकदम पास में ही गाड़ी भी आ गई। ये रहा, क्या देखो आ गई वाटर पार्क। ये है सरस्वती घाट दोस्तों, चलो 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 पकड़। हाँ कैमरा ढाप लिया, अच्छा। अरे बाप कैसे जाना नहीं है, पकड़िए। अरे बैठो, तो हम लोग हो गए हैं रेडी, अभी स्टडी और गो। अभी हम लोग चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? लाडो भी पहनेंगी, तुम नहीं पहनोगी? लाडो पहन लो, लाडो नहीं पहनेंगी। हम लोग के तरफ भार कम है, उधर ज्यादा हो गया है। ये देखते हैं दोस्तों, क्या खूबसूरत नजारा है। दोस्तों ये जो घाट है, यहाँ पे जोधा बाई आती थी स्नान करने। ये सरस्वती नदी है जिसमें स्नान करने के लिए लाइट पड़ रहा है सामने से, इसलिए जो है पूरा क्लियर नहीं आ पा रहा है, बट ये घाट है। यहाँ पे जो है जोधा बाई स्नान करने आ रही थी। अभी ये सारे घाट तो ब्लॉक कर दिए गए, यहाँ कोई नहाता नहीं है। दोस्तों
दोस्तों यही वो घाट है जहाँ से आती थी जोधा भाई नहाने, यही जगह है। आम पब्लिक के लिए बंद है, वो नहीं आता। जो जनरल लोगों के लिए है आम पब्लिक, ये वही घाट है, यहाँ लोग नहा सकते हैं, यहाँ नहाते हैं लोग, यहाँ भीड़ लगी हुई है। दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं, काफ़ी लंबी दूरी तय करके आ गए लोग, और संगम यहीं पे है, यहीं पे तीनों नदियों का मिलाव है, जुड़ाव है यहाँ पे। अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। फाइनली आ चुके हैं लोग, सामान सारा सामान चेंज करने वालों को ले जाना, खाली चप्पलों पर छोड़ देना, मतलब चेंजिंग का सारा सामान तो चप्पल वगैरह हम लोग रख दे रहे हैं यहीं, और ये सूट निकाल देना है ना। फाइनली अपने अपने वर्दी को निकाल दिया गया है। चलिए मोबाइल रख दीजिए, मोबाइल लेकर आएंगे क्या? हाँ ये सामान वगैरह कहाँ रखना है? सामान तो इसी में रख दीजिए ना। ये आर्मी वालों के लिए बना हुआ है चेंज रूम, जिसमें और कोई नहीं आ सकता है। इसमें सिर्फ आर्मी वाले ही आएंगे, इसमें दूसरा कोई नहीं चेंज करने आ सकता है। अच्छा इसीलिए वो जद्दोजहद करके इसी मिलाया। को आप चलिए मोबाइल लेके चलेंगे क्या? मछली पानी में गई चप्पा। तो आइए, अच्छा अच्छा तुमको नहीं आने लगे, आओ वाटर पार्क। वाटर मुंह बंद करो, नाक बंद करो, नाक बंद करो, ना मुंह बंद करो, मुंह बंद करो, पानी नहीं पीना, मुंह बंद करो। हम भी आ रहे हैं, आ रहे हैं। एक मछली पानी में गई, छपाक छपाक ये देखो ये देखो लाडो दे दीजिए, दे दीजिए। तो गाइस नहा लिए और आप लोगों को दिखाते हैं हम। अरे वो पिंडदान होता है तब बनता है, पिंडदान के लिए बनता है। तो गाइस आप लोगों को दिखा दें, गंगा नदी का प्रवाह इधर से है और यमुना का इधर से है और शायद सरस्वती का इधर से है। कौन ये सरस्वती माता जी? देखिए इधर सफेद, देखिए इधर नीला। हाँ हाँ, और इन सब का जो है संगम यहीं हुआ है जहाँ हम लोग स्नान किए हैं। इधर से
सरस्वती माता का आ रहा है और इधर से है यमुना जी का और इधर से गंगा जी का प्रवाह है। आ रहे हैं यहाँ कुंभ नहान वगैरह जब पड़ता था तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है, बहुत भीड़ होता है। अभी जो है उतना नहीं है भीड़ और लेकिन फिर भी बहुत भीड़ है। वहाँ से लोग नहा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। किसी के लिए जो है कपड़ा वगैरह चेंज करने के लिए इधर दिया नहीं है, सिर्फ एक आर्मी डिफेंस वालों के लिए है जो जहाँ पर हम लोग थे, ये यहाँ पर डिफेंस वालों के लिए वही बस उन्हीं की फैमिली आएगी या वो लोग आएंगे तभी वो लोग यूज़ करेंगे उसको, वरना उसमें ताला बंद रहता है। तो आए हैं लोग तो हम लोग को मिल गया है बेनिफिट, उसी में सामान वामान रखा गया, नहाने के बाद सब कुछ उसी में चेंज वगैरह कर रहा है और फिर निकल जाना है। बाकी कहीं घाट पे दिख नहीं रहा है कोई चेंज करने के लिए जगह बनाया गया हो। और ये है वो जगह, दोस्तों अब चेंज वगैरह कर ले और फिर जो है देखते हैं। कुछ लाए नहीं हैं कि पानी भी लेके जाना है, जल लेके जाना है घर के लिए, तो अभी लाए नहीं है, देखते हैं कुछ जुगाड़ हो जाता है। अगर यहाँ मिलता है तो फिर भरेंगे और लेके जाएंगे हम लोग। सो बहुत अच्छा लगा यहाँ नहा के आके और अब देखते हैं अगला प्रोग्राम क्या है, क्या किया जाएगा। गंगा जी का इधर से आ रहा है और रिटर्न हो के यहाँ से मिल के और फिर वापस इधर बनारस चला जाता है। इस साइड से गंगा जी का पानी प्रवाह जो है फिर बनारस चला जाता है, इधर से आता है। और यमुना जी का भी इधर से आ रहा है, इधर से यमुना जी का, इधर से गंगा जी का, और सरस्वती जी का यहीं से आके ये लुप्त हो जाता है, ये कहीं नहीं जाता है। ये जल का कलर है पानी का। चला जाए। अरे उधर है यार, उधर है हम लोग का बोट। तो दोस्तों अब ताला बंद हो गया, इसको दादू तुम नहाए नहीं है ना, अब दादू कह रहे नहीं नहाएंगे। अच्छा लगा ना ये बताओ। ऐसा लग रहा है इसी किले के अंदर से पानी जो है सरस्वती जी का पानी आके इसमें संगम में मिलता है किले के अंदर से, और यमुना नदी का पानी इधर से आ रहा है जल। ये यमुना नदी का प्रवाह है, इसमें सरस्वती जी का प्रवाह है और इधर गंगा जी का। बता रहे हैं कि गंगा जी का पानी इधर से आता है और इधर से रिटर्न हो जाता है फिर बनारस। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है इसलिए मैं यहीं पे इसको एंड करता हूँ और बाकी की जानकारी जो है हम अगले वीडियो में देते हैं। हम लोग आ गए हैं बाहर और बहुत ही अच्छा रहा एक्सपीरियंस और सबसे बढ़िया लगा कि जो मित्र हैं हमारे डिफेंस में उनके साथ आने पे काफ़ी जो है वरीयता मिला है, काफ़ी अच्छा लगा, फैसिलिटी मिली है काफ़ी। सो इसलिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और भी कई चीज़ें हैं जो आपको दिखाना है, आर्मी कैंटीन वगैरह का भी मैं शूट करूँगा यहाँ का, तो वो अगले वीडियो में आप लोग को दिखाऊँगा। ये वीडियो यहीं तक था दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।